Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to start a new chapter for class 6 civics. The name of the chapter is Panchayati Raj. In the last chapter we have discussed about the key features of a democratic government, how the people elect their representative. We have studied the people elect their representative for certain period of time, means for 5 years they select their representatives. Then what happened after people elect their representatives? How are decisions made? Let us look at how this take place in the rural areas. तो अब हम इसमें ये देखेंगे rural areas में जब election होता है और उसके बाद election के बाद वो कैसे decisions लेते हैं. Clear? And we start from Gram Sabha. Clear? And where people directly participate and seek answers from their elected representatives. So what is Gram Sabha? Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by panchayats. Means this is a meeting for all adults who live in area, जो उस area में रहते हैं, and that area is covered by the panchayat. तो what is panchayat? Panchayat is a local self-governing body at the rural areas. और ये start होती है at the grassroots level. क्योंकि हमको पता है कि 3 level of government we have studied. Suppose this is a सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल यू कैन से, ठीक है, नेशनल लेवल, एंड दिस इज स्टेट, एंड दिस इज विलेज लेवल या लोकल लेवल. और इसमें विलेजेस होते हैं, दे हैव द पंचायत. पंचायत वहाँ पे सेटल डाउन करते हैं डिस्प्यूट्स और डिसीजंस लेते हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए. सो दिस इज द वर्क ऑफ पंचायत. तो पंचायत में जिस एरिया को वो कवर करती है, 18 ईयर से जितने बड़े लोग हैं, दे ऑल आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. तो व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत. तो पंचायत क्या है? पंचायत इज अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन रूरल एरियाज. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of Gram Sabha. 18 साल से बड़े हैं और वो वोट डाल सकते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राम सभा के मेंबर. क्लियर? ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू ग्राम पंचायत एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट provide self rule for the people at lowest level. अभी मैंने आपको बताया कि ये lowest level पे काम करती है. अब जब हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे जिसमें ग्राम सभा में एक मीटिंग होने वाली है और गांव का नाम है हरदासपुर. हरदासपुर में तो ग्राम सभा है इज होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन. इलेक्शन के बाद वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होने वाली है, तो सारे गांव वाले बहुत एक्साइटेड हैं कि देखते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं, जो नए पंच या सरपंच बने हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो किस तरह प्रिसाइड करेंगे इस नई पंचायत की मीटिंग को. तो ग्राम सभा मीटिंग बिगेंस विद पंचायत प्रेसिडेंट. तो मीटिंग जो स्टार्ट की जाती है, इट इज स्टार्टेड बाय द पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं प्रधान या सरपंच. जो सरपंच होते हैं और जो प्रधान होते हैं वो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं. एंड पंच, सरपंच के साथ और मेंबर्स भी होते हैं जो पंच कहलाते हैं. पंचायत मीन्स 5 मेंबर्स की ये एक बॉडी होती है, दैट इज नोन एज पंचायत. वो मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं. प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू मेन हाईवे. मीन्स वो क्या प्रेजेंट करने वाले हैं? रिपेयरिंग द रोड, रोड की रिपेयरिंग के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है. एंड दिस रोड कनेक्ट्स द विलेज टू मेन हाईवे. तो वहाँ से लोग इजिली टाउन्स जा सकते हैं. तो सो दिस रोड वॉज, दिस रोड इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर
village people. After this discussion moves to water shortage in the village. हर दास विलेज के अंदर वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको डिस्कस करने के बाद फिर वो डिस्कस करेंगे द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ वाटर. तीजा, तीजा इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा. उसने क्या बोला, वी आर फेसिंग अ एक्यूट प्रॉब्लम इन आवर विलेज. हैंड पंप वाटर लेवल हैज गॉन बिलो, मीन्स हैंड पंप से जो हम वाटर निकालते हैं उसका वाटर लेवल हैज गॉन डाउन. वीमेन हैव टू गो सुरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे, मीन्स जो औरतें हैं उनको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है फॉर वाटर. सुरू रिवर से पानी लेके आते हैं जो 3 किलोमीटर दूर है, तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द वीमेन. वन मेंबर सजेस्ट, तो एक मेंबर ने क्या किया, पाइपिंग वाटर फ्रॉम सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक. एक मेंबर जो, क्योंकि वहाँ पे तो सब बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं ग्राम सभा मीटिंग में, तो एक ने अगर ये अपनी प्रॉब्लम रखी तो दूसरे मेंबर ने कहा कि क्यों नहीं हम पाइप के थ्रू एक वाटर लेके आते हैं यहाँ पे, एक ओवरहेड टैंक बनाते हैं जिससे हमारी वाटर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी दिस, बट इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव. वहाँ से पाइपिंग से वाटर लाना और एक ओवरहेड बनाना, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव वर्क था. तो इट्स बेटर टू डीपन द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सेशन. तो पंचों ने निर्णय लिया कि इस सेशन में हम हैंड पाइप को थोड़ा सा डीप कर देते हैं ताकि पानी आसानी से आ जाए, एंड वेल्स को भी क्लीन कर देते हैं फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं. अनवर, अनवर इज अनदर मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ही सजेस्टेड अ न्यू वे, ही सजेस्ट अ न्यू वे टू कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्ज इट इन द विलेज. उन्होंने एक नया वे बताया कि किस तरह हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, नोन एज वाटर शेड डेवलपमेंट, और उसको बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट. उसने कहा जब मैं लास्ट ईयर अपने भाई से मिलने महाराष्ट्र गया था तो वहाँ पे इस प्रोसीजर से वहाँ पे पानी को रिचार्ज किया गया विलेज में, और लोग वहाँ पे अच्छी तरह पानी को यूज़ कर रहे हैं और पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है. तो हमको भी वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए. और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट गिव्स इट, गिव्स मनी फॉर दिस, और गवर्नमेंट इसके लिए हमें पैसा भी देती है. तो क्यों ना हम वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने भी गांव में इम्प्लीमेंट करें और हमें पैसा भी गवर्नमेंट से मिलेगा इस स्कीम को डेवलप करने के लिए. बट जो पंच थे उन्होंने ही कहा कि वी डोंट नो अबाउट दिस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हैंड पंप्स को थोड़ा डीप करेंगे और जो अपने वेल्स हैं कुओं को साफ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई. देन नेक्स्ट एजेंडा, दूसरा एजेंडा क्या था, टू फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ BPL. BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी मतलब प्रिपेयर की गई है, उसको सबके सामने बताना कि किन किन लोगों के नाम उस लिस्ट में है, उसके बारे में डिस्कस करना और लिस्ट को अल्टीमेट फाइनल टच देना. एज सून एज द लिस्ट रीड आउट पीपल बिगेन टू विस्पर. विस्पर मीन्स खुसफुसाहट शुरू हो गई, कानाफूसी शुरू हो गई. जैसे ही एक आदमी ने लिस्ट पढ़नी शुरू की तो लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई. क्यों शुरू हो गई, नटवर, नटवर का नाम सबसे पहले BPL लिस्ट में आया तो लोगों में कानाफूसी क्या शुरू हो गई. नटवर हैज़ जस्ट बॉट कलर टीवी, उसने तो अभी अभी कलर टीवी खरीदा है, एंड ही हैज़ न्यू मोटरसाइकिल ऑल्सो, अपने उसके अपने घर में एक नई मोटरसाइकिल भी है, कलर टीवी भी खरीदा है, तो ये BPL लिस्ट में कैसे आ सकता है. ठीक है, हाउ इज ही इन BPL लिस्ट, लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई. फिर बिरजू का नाम अनाउंस किया गया कि बिरजू इज इन BPL लिस्ट, तो हाउ बिरजूस नेम इज इन दिस लिस्ट. कानाफूसी बढ़ती जा रही थी, इस कहाँ बढ़ती जा रही थी,
ग्राम सभा में, ठीक है, क्यों बिरजू के नाम से वहाँ पे कानाफूसी शुरू हो गई। ही हैज सो मच ऑफ लैंड, उसके पास तो बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है जहाँ पे वो खेती करता है। तो फिर वो कैसे बीपीएल लिस्ट में आ गया? ओम प्रकाश, एक ओम प्रकाश का नाम उस लिस्ट में नहीं था। ओम प्रकाश इज लैंडलेस एंड पुअर। ओम प्रकाश वास्तव में लैंडलेस और एक पुअर फेलो था गांव में। हिज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, और उसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैज बीन मिस्ड आउट। तो उन्होंने जिसने लिस्ट बनाई थी, जिस आदमी ने, उससे पूछा कि यहाँ पे ओम प्रकाश का नाम कैसे मिस हो गया? आपने जब लिस्ट बनाई है, आपने नटवर का, बिरजू का नाम लिखा, और ओम प्रकाश का नाम कैसे मिस हो गया? तो उसने क्या क्या, उसने कहा हिज हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट। जब मैं वहाँ गया तो उसका हाउस में ताला बंद था, हो सकता है किसी काम से बाहर गया हो, तो इस वजह से उसका नाम लिस्ट में नहीं है, मिस हो गया। तो सरपंच उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप जाइए दोबारा और उनका नाम इस लिस्ट में एंटर कीजिए, पूरी तहकीकात के बाद अगर वास्तव में वो बीपीएल लिस्ट में आता है तो उसका नाम इस लिस्ट में एंटर करिए। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह ग्राम सभा मीटिंग में प्रॉब्लम्स को रखा जाता है और उसका सल्यूशन किया जाता है। कब? आफ्टर इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि आफ्टर इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव व्हाट हैपेंस। तो इस तरह प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व होती हैं और प्रॉब्लम्स को वहीं डिस्कस किया जाता है। ग्राम सभा इज द की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल। तो ग्राम सभा जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है? पंचायत के ऊपर उसको उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, आंख गड़ाए रखती है कि कहीं वो कोई गलत काम ना करे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा नटवर और बिरजू, नटवर और बिरजू का नाम क्यों एंटर हो गया? हो सकता है कि ये जो पंचायत के जो मेंबर्स हैं, पंच हैं, उनमें से किसी का कोई रिलेटिव हो। लेकिन वहाँ पे जब कानाफूसी शुरू हो गई तो ये डिसाइड किया गया कि नटवर और बिरजू का नाम उसमें से हटा दिया जाएगा और ओम प्रकाश का नाम एंटर किया जाएगा। तो इस तरह ग्राम सभा जो है, पंच लोग या पंचायत कुछ गलत डिसीजन ना ले, उसको भी चेक करती है। दैट्स वाई ग्राम सभा इज सो इम्पॉर्टेंट। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, कुछ भी गलत काम करने से उसको रोकती है, कभी गलत काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेवरिंग सर्टेन पीपल, किसी भी एक आदमी का पक्षपात करना कि उसके फेवर में डिसीजन लेना, जैसा कि हमने यहाँ देखा अभी, ठीक है। मिसयूजिंग मनी, और वो बिना निर्णय लिए, बिना ग्राम सभा की सहमति से मनी को स्पेंड भी नहीं कर सकती। तो वो कैसे ध्यान रखती है उनके ऊपर कि वो किसी का फेवर ना करें और मनी का भी मिसयूज ना करें। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द वर्क ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड फॉर 5 years, जो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उन पे उनको याद दिलाती रहती है टाइम टू टाइम कि वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें और अनबायस्ड फॉर्म में, किसी के लिए बायस ना हो। समझ में आया? सो दिस इज द वर्क ऑफ ग्राम सभा। तो व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, ठीक है, उस एरिया में जहाँ पे पंचायत का रीच है, पंचायत का जैसे कहते हैं एरिया, उस एरिया में 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं दे आर नोन एज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। और ग्राम सभा का तो अभी आपको बताइए कि कैसे प्रॉब्लम्स वहाँ पे रखी जाती हैं और सॉर्ट आउट की जाती हैं, और लास्ट डिसीजन पंचों का होता है। और जैसे ये 5 लोग इलेक्ट करते हैं, कभी कभी ये होता है कि वो 5 लोग ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम में से सरपंच कौन बनेगा, और कभी कभी गांव वाले ही सरपंच का भी इलेक्शन करते हैं कि उन 5 में सरपंच कौन बनेगा। तो हम अब हम पंचायत के बारे में नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन में वी हैव कंप्लीटेड ग्राम सभा। क्लियर? समझ में आ गया है?
then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.